तो चलो भाई दुकान का शटर उठाते हैं और फाइनली ब्रह्मास्त्र और इसके स्पॉइलर वीडियो पर बात कर लेते हैं। देखो कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने ब्रह्मास्त्र को कुछ ज्यादा ही हार्श तरीके से हैंडल किया। मेरा रिव्यू वाला वीडियो देखकर मुझे ऐसा थोड़ा सा लगा जरूर, लेकिन ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा फिल्म को लेकर ओपिनियन अभी भी नहीं बदला है। क्यों नहीं बदला, आज उसी पर बात करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, थोड़ा ही टाइम लगता है, एक ही उंगली लगती है, तो सही जगह यूज करो ना। देखो दिक्कतों पर बात करने से पहले इसकी अच्छी बातों को समेट लेते हैं। नो डाउट ये हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा रिस्क था जिसे प्रोड्यूसर्स ने लेने की हिम्मत जुटाई। ये एक शुरुआत है हम जैसे नर्ड्स के लिए कि अपने यहाँ भी अब ऐसी फिल्में बनेंगी। VFX शॉट्स भी अच्छे हैं, मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है और ये एक बड़ी फ्रेंचाइज की तरफ इसको लेकर जाएगा। सब कुछ अच्छा हुआ तो हम ग्लोबल मार्केट में हॉलीवुड की तरह ना सही तो अपने इंडियन फ्लेवर वाले हीरो जरूर दे देंगे, क्योंकि रामायण और महाभारत जैसे हमारे इतिहास में इतनी सारी कहानियां हैं जो बाहर आपको नहीं मिलेंगी। मगर इस फिल्म का एग्जीक्यूशन इतना ढीला कैसे रह गया, पहले इसकी स्क्रीन प्ले की बात कर लेते हैं। फिल्म एक बढ़िया सीक्वेंस के साथ शुरू होती है। शाहरुख खान का कैमियो फिल्म को बढ़िया धक्का लगाकर शुरू करता है। इसका कॉन्सेप्ट और आइडिया सेट हो चुका होता है, लेकिन फिर इसमें अचानक से एक लव स्टोरी शुरू हो जाती है आलिया और रणबीर की, जो उस पेस को स्लो कर देता है। सुपरमैन में भी क्लार्क केंट और लुईस लेन की लव स्टोरी है, बैटमैन में भी ब्रूस और सेलेना की लव स्टोरी है, आयरन मैन में भी टोनी और पेपर पॉट्स की लव स्टोरी है, मगर भाई इनमें से किसी को भी तुमने कहानी की पेस के बीच में आते देखा है? उल्टा ये सारे उस कहानी को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं, जिससे लव स्टोरी खींची हुई नहीं लगती। यहाँ आलिया के पास करने को कुछ नहीं था, इस वजह से ये और भी ज्यादा वैल्यूलेस सीक्वेंस हो जाते हैं, क्योंकि उसमें आलिया और रणबीर के वो इमोशंस हैं जिसको ठीक से फिल्म में बैठाया भी नहीं गया था। ऊपर से डायलॉग्स, फिल्म की दूसरी सबसे बड़ी कैरेक्टर को पूरी फिल्म में शिवा शिवा चिल्लाने के लिए रखा हुआ है यार। कुछ सीन्स की बात करते हैं, मटके ही सीक्वेंस को ले लीजिए। मुझे ऐसा लगा कि उसमें एक एंशियंट टच दिया जा सकता था, क्योंकि आपने फिल्म को एंशियंट इंस्पिरेशन कह के ही बेचा है, और जब एक गुरु आपको बटन ढूंढने की बातें करता है तो कितना क्रिंज साउंड करता है भाई, पूरे सीन का मजा वहीं बेकार हो जाता है। फिल्म में बिना बोले हमसे कनेक्ट करने का तरीका है, यहाँ आप बोल कर भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आयरनी। वही डिंपल कपाड़िया का इसमें क्या रोल था भाई, माना आप सेकंड पार्ट के लिए कुछ कैरेक्टर्स को इसी में सेटअप करना चाह रहे हो, लेकिन उनकी कुछ तो वैल्यू इस फिल्म में रखिए यार। मार्वल में वॉन्ग भी जब आता है तो कहानी को आगे बढ़ाता है, यहाँ डिंपल मैम क्या करने आई थी मालूम ही नहीं। और भाई क्लाइमैक्स में ब्रह्मास्त्र जो एक पूरा ब्रह्मांड खत्म कर सकता है वो शिवा को ध्वस्त नहीं कर पाता, उल्टा उसकी आग से कंट्रोल में आ जाता है। एक टाइम के लिए मैं मान लेता हूँ कि देव की पावर्स की वजह से ऐसा कुछ हुआ होगा, मगर वो शिवा के पूरे कंट्रोल में कैसे आ गया जब बाकी ब्रह्मांश के पसीने छूट गए थे उसके सामने। और सबसे बड़ा सवाल भाई ये कि सीन्स को हमें स्पून फीड क्यों किया गया है। हम मार्वल और डीसी वाली ऑडियंस है, हमें बैटमैन के लुक से समझ में आ जाता है कि क्या चल रहा है, डॉक्टर स्ट्रेंज के एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है कि हाँ ये वही एक अकेला चांस है जिसमें थैनोस को हराया जा सकता है। और यहाँ आप हमको ये बता रहे हो कि मुझे आग जलाती नहीं है ईशा, या देखो शिवा लाइट आ गई, अरे यार क्यों। ये कुछ वो पॉइंट्स हैं जिसने मेरा ब्रह्मास्त्र का मजा खराब कर दिया। मुझे ऐसा लगा था कि एक एंशियंट हिस्ट्री को अपनी इंस्पिरेशन बनाकर अस्त्रों के कॉन्सेप्ट के साथ एक बहुत बड़ी कहानी कही जाएगी। इनके पास बड़ी कहानी थी भी, लेकिन वो 3 घंटे की लेंथ का कितना पार्ट था। एक बड़े कैनवस पर जब आप छोटी लकीर खींचते हो तो उसका बाकी का खाली हिस्सा आपसे सवाल करता है, वही सवाल मैं और मेरे जैसे कई लोग कर रहे हैं। मगर यार ये मेरा ओपिनियन है, फिल्म को हम हेट नहीं कर सकते क्योंकि एक फिल्म को बनाने में बहुत लोगों के एफर्ट्स लगते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ सपोर्ट के नाम पर उसकी एवरेज चीजों को भी अप्रिशिएट करोगे तो उससे बेहतर आपको कभी नहीं मिलने वाला। आप इससे एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो देखकर फिल्मों के बारे में कुछ नया पर्सपेक्टिव मिला हो या कुछ सीखने को मिला हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, बिंदास बोल डालो। कोई शिकायत करनी हो तो अभी अपना बेसिक अड्डा यही है तो यहीं पे बोल डालो। चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। दिस इज बज पायलट साइनिंग आउट।